दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आप लोग सावधान हो जाइए अगर ये गलती करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आपको कौन सी गलती नहीं करना है जिससे आपका बीएड में लिया हुआ नामांकन रद्द हो जाए। इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक खुशखबरी सबसे बड़ी आप लोगों के लिए है, जिन्होंने 5 अप्रैल तक ऑनलाइन कॉलेज च्वाइस फिलिंग नहीं किया है उनके लिए खुशखबरी है। आज रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन कॉलेज च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी आज लास्ट डेट है। आज के बाद उनका ऑनलाइन कॉलेज च्वाइस फिलिंग नहीं होगा और वे क्वालिफाइड रहते हुए भी बीएड में नामांकन नहीं ले सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विद्यार्थियों को कौन सी गलती नहीं दोहराना है जिनके कारण उनका लिया हुआ नामांकन रद्द हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नोटिस प्रकाशित किया गया है, इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग सेट बीएड एडमिशन। तो इन नोटिस को हम डाउनलोड करते हैं। देखिए नोटिस डाउनलोड हो गया है और ओपन भी हो चुका है। तो इस नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दिनांक 17/4/2019 से दिनांक 30/4/2019 तक काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उपर्युक्त आदेश एवं स्टेटस के विभिन्न प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधित संस्थानों एवं बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों, उनके अभिभावकों एवं जन सामान्य को सूचित किया जा रहा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने तदुपरांत काउंसलिंग आयोजित कर नामांकन हेतु नाम अनुशंसित करने का शासनादेश मात्र नालंदा खुला विश्वविद्यालय को है। अगर आप कोई संस्थान बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए सत्र 2019-21 में नामांकन या काउंसलिंग आयोजित करता है तो इस कृत्य को विधि सम्मत नहीं माना जाएगा तथा इस विश्वविद्यालय से लिया गया नामांकन भी विधि सम्मत नहीं होगा। अगर कोई भी कॉलेज अपने माध्यम से काउंसलिंग आयोजित करता है, यानी आप लोगों के आप बिहार के स्टूडेंट हैं और किसी भी बिहार के किसी भी बीएड कॉलेज में आप एडमिशन कराने जाते हैं, आपने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे, कॉलेज के काउंसलिंग में भाग लेकर के नामांकन करवा लेते हैं या डायरेक्ट नामांकन करवा लेते हैं, तो वैसे स्थिति में आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। उसी से संबंधित यहाँ पर सूचना है। यहाँ पर आपको विधि सम्मत नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो काउंसलिंग आयोजित की जा रही है उसमें भाग लेकर के आपको नामांकन करवाना है, तभी आपका जो है नामांकन मान्य होगा। अब आप लोग जान लीजिए कि आप लोग जान रहे थे कि ऑनलाइन कॉलेज च्वाइस फिलिंग 5 अप्रैल तक किया जाना था, उसके बाद तिथि समाप्त हो गई थी लेकिन पुनर्तिथि को बढ़ा दी गई है। आज 7 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक आप लोग ऑनलाइन कॉलेज च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। बीएड एंट्रेंस से संबंधित सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा। क्योंकि मैं बीएड कर चुका हूं तो इसलिए लेसन प्लान ऑब्जर्वेशन की जानकारी इस चैनल पर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।